नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जुलाई का महीना यानी कि साल 2022 में जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपकी सिंह राशि है तो बात करते हैं सबसे पहले आपके करियर की, जिसके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में ही विराजमान रहेंगे, इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हर प्रकार के रुके हुए कार्य पूर्ण रूप से बनते हुए दिखाई देंगे। दफ्तर में अच्छे पद की प्राप्ति होगी और उन्नति मिलेगी। साथ ही स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। आप किसी नए क्षेत्र में नौकरी का ऑफर स्वीकार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस दौरान भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। यदि आप विदेश से जुड़ी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आपको फायदा मिलेगा। आपको विदेशी कारोबार में भी सफलता मिलेगी। शनि के सप्तम भाव में स्थित होने से बिजनेस या व्यापार कर रहे जातकों को कामयाबी मिलेगी। हिम्मत भी बनी रहेगी। आप अपनी बुद्धि से अच्छा काम करेंगे। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए क्षेत्र में कारोबार को बढ़ाने की योजना पर काम करने का ये सही वक्त होगा। आपको सलाह है कि नकारात्मकता से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। किसी की गलत सलाह पर काम करने से नुकसान हो सकता है। शिक्षा की बात करें तो उसके लिए महीना सफलता लेकर आएगा। माह के पूर्वार्ध में पंचम भाव पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वाभाविक है कि यदि आप उच्च स्तरीय शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए फलदायक साबित होगा। आप अपनी मंजिल के करीब रहेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ज़्यादा गंभीर रहें। मन में कोई दुविधा नहीं रखें और खुद पर भरोसा रखें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को हमारी सलाह है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और अपने विषयों के चयन में सतर्कता बरतें। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति का अपनी स्वराशि में अष्टम भाव में विराजमान होने से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। पढ़ाई लिखाई से मन उचट सकता है, वहीं विद्यार्थियों के मन में दुविधा जैसी स्थिति रहेगी। इस समय ऐसे विद्यार्थियों को परिवार के समर्थन और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति ग्रह के अष्टम भाव में बैठने के कारण विदेशी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अच्छी तरह सेटल हो जाएंगे और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी बुध के सूर्य के साथ 11वें भाव में होने से आपको फायदा होगा। माह के पूर्वार्ध में आप बड़े बुजुर्गों के माध्यम से घर परिवार की सुख शांति के लिए अच्छी रणनीति बना सकते हैं। अपने वाक् चतुर्य का प्रयोग करके आप पुराने वाद विवाद को दूर करने में कामयाब होंगे और एक अच्छे कार्य के लिए परिवार के सभी जनों को एकत्रित कर सकते हैं। इस दौरान आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, जिसमें आपकी भागीदारी रहेगी। दूसरे भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आप परिवार के साथ लंबी यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। इसकी वजह से आपका परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको सलाह है कि परिवार के लिए वक्त निकालें और सभी सदस्यों से संवाद कायम करें। इस दौरान रिश्तेदारों से आपका तालमेल बेहतर होगा। किसी वजह से रिश्तों में आई कड़वाहट दूर होगी और नज़दीकी रिश्तेदारों के घर आना जाना शुरू होगा। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, विशेषकर छोटे भाई बहनों का प्यार और स्नेह मिलेगा। आपके काम में भाई बहन सहयोग भी देंगे, आपको ननिहाल पक्ष का सपोर्ट मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति के अष्टम भाव में अपनी स्वराशि के होने से शुरुआती दिनों में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सूर्य और बुध की पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि से लवमेट के बीच में मधुरता के बावजूद अभिमान और अकड़ की वजह से परेशानी आ सकती है। एक दूसरे के बर्ताव की वजह से थोड़ी बहुत असमंजस जैसी स्थिति रहेगी और महीने में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति गलत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में शुक्र के बुध के साथ एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखने और माह के उत्तरार्ध में सूर्य के द्वादश भाव में जाने से परिस्थितियां अनुकूल होंगी। लवमेट के बीच में चल रहा मनमुटाव दूर होगा, मानसिक तनाव जैसी परेशानियां भी दूर होंगी। आप अपने प्रियतम को लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार करने की दिशा में भी सोचेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो समय थोड़ा बहुत कष्टकारी हो सकता है। आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के होने के कारण थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। अपने विचारों पर इस समय लगाम लगा कर रखें, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन को लेकर चल रहे कोर्ट केस से छुटकारा मिलेगा और दोनों के एक होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहने वाला है।
दूसरे भाव के स्वामी बुध के एकादश भाव में सूर्य के साथ युति करने से आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। रुका हुआ धन आपके जीवन में वापस आ जाएगा। कारोबार में धन प्राप्त होगा। साथ ही इस दौरान बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। संपत्ति से जुड़ा पारिवारिक विवाद सुलझने से भी आपको फायदा होगा। इसके साथ ही आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश से लाभ प्राप्त होगा। आपको सलाह है कि निवेश करते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज़्यादा जोश दिखाने से लेने के देने पड़ सकते हैं। व्यापार क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। कई जातकों के लिए विदेशी धन का आगमन होगा। महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए और भी खुशनुमा पलाएंगे। व्यापार के नए क्षेत्र में फैलने से आमदनी के रास्ते खुलेंगे। अब आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना चुनौतियां लेकर आएगा। महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव के स्वामी शनि के सप्तम भाव में होने से पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। राशि के अनुसार सप्तम भाव में शनि के वक्री अवस्था में बैठने से इस समय आपको दौड़ भाग से बचना होगा। इसका खराब असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपके कारण चिंतित या परेशान हो सकते हैं। अच्छा होगा कि आप और अपने जीवन साथी दोनों के खान पान पर ध्यान दें। कोई समस्या होने पर डॉक्टर से जल्दी सलाह लेना अच्छा होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के 12वें भाव में जाने और 6वें बार पूर्ण दृष्टिपात करने से आपके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण होगा। बहुत हद तक अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। अपने को ताकतवर महसूस करेंगे। बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न होगी। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को लाल रंग के पुष्प डालकर जल अर्पित करें। सूर्यदेव जी के बीज मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। वहीं बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर अवश्य जाएं। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का जुलाई 2022 का राशिफल। मैं आशा करता हूँ कि जुलाई का ये महीना आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, आपको सभी सफलताएँ प्राप्त हो। डॉक्टर मृगांक शर्मा की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।